विकास अधिकारी श्री दत्तगंज मोहित कुमार दुबे का क्षेत्र बना इंसानों व जानवरों के लिए कब्रगाह। लगातार हो रही है श्री दत्तगंज क्षेत्र में इंसानों और जानवरों की मौत का जिम्मेदार कौन। कपौवा से गालिबपुर उतरौला बलरामपुर मार्ग पर सैकड़ों छुट्टा जानवर बन रहे दुर्घटना का सबब। लगातार दुर्घटना से मर रहे इंसान और जानवर, छुट्टा जानवरों के लिए गौशाला बना हाथी का दांत। लापरवाह खंड विकास अधिकारी श्री दत्तगंज के क्षेत्र में दिखावे के लिए संचालित हो रहा गौशाला। क्या खंड विकास अधिकारी की नज़र में इतनी सस्ती है इंसानों की जान? गौशाला पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी खंड विकास अधिकारी नहीं दे पा रहे गौशालाओं में समुचित व्यवस्था। गौशाला की पोल खोल रही सड़क पर घूम रहे जानवरों की समुचित व्यवस्था। जानवरों ने सड़क को बनाया अपना आशियाना। सड़क पर छुट्टा जानवरों के जमावड़े से आने जाने वाले राहगीरों पर हो रहे हादसे का शिकार ब्लॉक क्षेत्र श्री दत्तगंज का बताया जा रहा है मामला। जो हमारे गाँव में सड़कों पे हैं अभी, क्योंकि जनपद बलरामपुर में जो क्षेत्र है थोड़ा सा यहाँ पानी भी लगता है, तो जो हमारी गौशालाएँ बनी हुई हैं और जो अन्य ज़मीनें हैं वहाँ पर भी पानी लगा हुआ है, जिसके कारण कि हमें गौशालाओं से भी अपने जो हमारे पशु हैं उनको स्थानांतरित करना पड़ा है। तो जैसे ही थोड़ा सा वहाँ पे पानी का वो ख़त्म होता है, गौशालाओं के और निर्माण कराते हुए जो हमारे अभी भी छुट्टे पशु हैं उनको संरक्षित किया जाएगा और सड़कों पे जो है सुरक्षित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, इसमें जो जिम्मेदार कौन है? विकासखंड श्री दत्तगंज का क्षेत्र आता है, तो क्या इसमें लगातार जो है सर्वे वगैरह नहीं होता है अधिकारी कर्मचारी? इसमें लगातार सर्वे भी होता है, इसमें जो है ब्लॉक स्तर से भी टीम होती है, पशु चिकित्सा अधिकारी की भी टीम होती है जो कि चेक करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे उस एरिया में पानी लगे होने के कारण अतिरिक्त गौशालाओं का निर्माण नहीं किया जा पा रहा है। जैसे ही पानी वहाँ पर जो है जो ज़मीनों पर लगे हुए हैं सूखेंगे, हम नए गौशालाओं को निर्माण करा के इनको संरक्षित करा जाएगा और साथ में जो जिम्मेदार इसमें अधिकारी हैं उनके भी इनको सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि जो सड़कों पे हमारे गौवंश हैं उनको जो है संरक्षित